दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे मुहावरे बताने वाला हूँ, लोकोक्तियाँ और मुहावरे जो आपके एग्जाम पर पूछे जाते हैं, कि आपके 10 ऐसे बताऊंगा जो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं और यहीं से आपके एग्जाम पर आएंगे। मैं इनकी कुछ वीडियोजें आपको दूंगा, 10-10 बनाऊंगा। कितने 10-10? क्योंकि मैंने आपसे पूछा था कि लाइव क्लास में आऊँ, आप सभी लोग लाइव आएंगे कि नहीं, तो आप लोगों ने ज़्यादा कमेंट करके नहीं बताया, एक दो लोगों ने बताया है, तो इससे कुछ नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा था अगर आप लाइव आना चाहेंगे तो मैं एक दिन में आपको कम से कम 100 या 150 करवा दूंगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। 100-150 में आपको पूरा पूरा काम हो जाएगा और वही फंसेंगे जो मैं यहाँ पे करवाऊंगा। इसकी 100 में 100% गारंटी है, बिल्कुल से 100 में 100% आपके 90+ आने वाले हैं इस क्रैश कोर्स में जो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है। इस क्रैश कोर्स को आपको लास्ट तक लेके चलना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको वीडियोज के साथ साथ टिप्स एंड ट्रिक भी बताते हैं, ताकि वो आपको हमेशा और एग्ज़ाम तक आपकी याद रहे और साथ भी दे। तो देखिए, हमारा आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और अच्छा सा एक मुहावरा है वो लिया गया है उंगलियों पर नचाना। तो इसका जो मीन्स होता है, इसका अर्थ होता है, मनमानी करना। क्या अर्थ होता है इसका? मनमानी करना। मैं लिख लेता हूँ, मनमानी करना। आप देखिए, इतना सा आपको लिख के छोड़ना नहीं है कि आपने लिख दिया मनमानी करना और हो गया आपका काम ख़त्म। यहाँ पे आपको एक हेडिंग डालनी होगी। यहाँ पर क्या हेडिंग डालनी होगी वो समझ लीजिए। यहाँ पे आपको हेडिंग डालनी होगी वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग। अब बात आती है कि इस वाक्य प्रयोग में क्या लिखना है आपको, तो मैं आपको बता दूं इस वाक्य प्रयोग में क्या लिखना है। आजकल समझ लीजिए, जो बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं, ऐसे आदमी हैं जिनको क्या होता है, उनकी जो पत्नियां होती हैं वो अपनी उंगलियों पर नचाती हैं। वो कौन से पुरुष होते हैं? वो जो पुरुष होते हैं दोस्तों, वो होते हैं इस तरह पुरुष। का मतलब ये होता है कि जो कहते हैं ना कि वो औरत का दीवाना, मतलब कि जो इंसान उसी की अपनी औरत की बातों पर चलता रहता है, तो वह औरत क्या करती है, उसे अपनी उंगलियों पर नचाती है। तो आप इसका वाक्य प्रयोग लिख देंगे, इस तरह पुरुष को उसकी पत्नी अपनी उंगलियों पर नचाती है। अथवा आप एग्जांपल दे सकते हैं, आप एग्जांपल अच्छा सा दे सकते हैं कि पुलिस चोर को पकड़ लेने पर उसे अपनी उंगलियों पर नचाती है। मतलब यह है कि इसका अर्थ आपको यही लिखना है, मनमानी करना। इसको वाक्य प्रयोग में कुछ भी बनाना है जो इससे मैच करता हो। जैसे कि मैंने आपको दो बताया, इस तरह पुरुष को उसकी स्त्रियां उसको उंगलियों पर नचाती हैं, या फिर एक बताया मैंने कि पुलिस चोर को पकड़ लेने के बाद उसे अपनी उंगलियों पर नचाती है। ये ईद का चांद होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे बहुत अच्छे से देख लीजिए। ईद का चांद होना, इसका मतलब होता है अधिक दिनों तक दिखाई ना देना। इसे मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ और नेक्स्ट जो बताऊँगा उन्हें पहले से लिख लूँगा, क्योंकि यहाँ पे लिखने में देखिए परछाई लग रही है लाइट की, तो स्पीड हो जाती है। यहाँ पे इसका अर्थ होता है जो मैं यहाँ पे आप लिख लीजिए, इसका अर्थ होता है बहुत दिनों तक दिखाई ना देना। ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों तक या अधिक दिनों तक। यहाँ पे लिख देंगे आप, मैं लिख ही देता हूँ, अधिक दिनों तक दिखाई ना देना। अब इसका बात आती है एग्जांपल हम क्या लिख दें, तो इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि मान लो आपका कोई भाई है, बड़ा भाई, और वो पहले तैयारी करता रहा, अब वो इंजीनियर हो गया। तो वो जब इंजीनियर हो जाएगा तो वो ड्यूटी करने चला जाएगा, तो बहुत बहुत दिनों में तुम्हें दिखाई देगा। तो तुम कह सकते हो मेरा भाई या फिर राम जब से इंजीनियर हो गया तब से वह बहुत दिनों तक दिखाई नहीं देता, ईद का चांद हो गया। तो दोस्तों ये दो मैंने बता दिए तरीके, अब मैं आपको ले चलता हूँ कि यहाँ पर लिखा रहेगा, मैं लिख लेता हूँ पहले से, फिर आपसे बात करता हूँ, ताकि 8 और लिख लेता हूँ, अर्थ भी लिख लूँगा ताकि आपको अर्थ समझा सकूँ और बता सकूँ, क्योंकि वीडियो भी लॉन्ग ना जाए। यहाँ पे दोस्तों मैंने सन नहीं डाला, तो आप इसका मतलब ये ना समझें कि ये जो क्वेश्चन है ये पूछे नहीं गए। ये क्वेश्चन इतने महान क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है जो कि एग्जाम पर बार बार रिपीट होते हैं, और मैंने बता दिया यहीं से 100 में 100% यहीं से फंसेंगे और यहीं से आपके एग्जाम पर आएंगे। बट इसकी कम से कम मैं आपको डेली अब 4 से 5 वीडियो दूंगा और 5-6 वीडियो इसी की बनाऊंगा, तो आपको पूरी वीडियो देखनी है। कम से कम मैं 50 से 60 अच्छे अच्छे जो होंगे करवा दूंगा,
पूरी हिंदी के क्रैश कोर्स में आपका पूरा का पूरा यहीं से आपका आने वाला है। बस आपको क्या है, डेली डेली वीडियो को शेयर करना है, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखनी है और जो है तो सारा इंपॉर्टेंट करके ले जाना है। तो देखिए यहाँ पे अपना उल्लू सीधा करना, इसका मतलब आप जल्दी से बताइए, मैं मतलब छुपा लेता हूँ। अपना उल्लू सीधा करना, तो देखिए दोस्तों इसका अपना उल्लू सीधा करना का जो अर्थ होता है वह होता है स्वार्थ सिद्ध करना। मतलब मान लीजिए आपके पास पेन नहीं है और आपने किसी को देखा और उससे पेन ले लिया, कह दिया भाई मेरे मुझे पेन दे दो, मैं तुम्हारा ये हूँ वो हूँ, और पेन लेने के बाद आप उसे भूल गए, तो आप क्या किया, अपना स्वार्थ सिद्ध किया, आपको वहाँ लिखना था, आपको पेन की ज़रूरत थी इसलिए वहाँ पे आपने लिया था और उसे दो मिनट में भूल भी गए। तो इस तरह से, तो देखिए यहाँ पे दिया गया इसका जैसे कि आपको अर्थ लिखना है तो आप लिख सकते हैं, आजकल के जो नेता लोग होते हैं वो आते हैं और वोट मांगते हैं आपसे, वोट तो मांग के खुशामद करते हैं और बाद में अपना उल्लू सीधा करके आपको कुछ नहीं देते हैं और चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नेता आते हैं और वोट मांग के अपना उल्लू सीधा करके चले जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पैरों पर खड़ा होना, तो इसका जो हिंदी अर्थ होता है वह होता है स्वावलंबी बनना। अब बात आती है इसके वाक्य प्रयोग की, तो वाक्य प्रयोग में आप लिख सकते हैं कि मान लीजिए आपका बड़ा भाई है और उसकी शादी आपके माता पिता करना चाहते हैं क्योंकि घर में काम करने के लिए ज़्यादा कोई नहीं है। तो आप सपोज करिए वो कह रहा है कि मैं तब तक शादी नहीं करूँगा जब तक मैं नौकरी नहीं करने लगता हूँ, नौकरी नहीं मिल जाती मुझे तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। तो वहाँ पर क्या है कि वो कहना ये चाहता है कि मैं तब तक शादी नहीं करूँगा जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाऊँगा। तो वहाँ पर सीधे सीधे से आपको अर्थ यही लिख देना है कि जब मान लीजिए राम है, राम नाम है आपके भाई, लिख दीजिए राम के माता पिता उसकी शादी करना चाहते हैं परंतु वह कह रहा है कि जब तक मैं अपने पैरों खड़ा नहीं हो जाऊंगा तब तक शादी नहीं करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट है अंगूठा दिखाना, तो इसका मतलब होता है स्पष्ट मना कर देना। अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है, स्पष्ट मना कर देना। तो अब इसके बारे में भी आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं, स्पष्ट मना कर देना। मान लीजिए राम गया श्याम के पास पेन लेने और श्याम ने उसे स्पष्ट मना कर दिया, या फिर और अच्छा बनाना चाहते हैं तो सोचिए मान लीजिए कोई नेता है जब तक वह जीत नहीं जाता तब तक वह आपको क्या करता है, वह स्पष्ट रूप से वही कहता रहता है कि आइए मैं आप मुझे वोट दीजिए, जब मैं जीत जाऊंगा तो ये करूंगा वो कर दूंगा। जैसे ही वह जीत जाता है तो क्या करता है, वह आपको अंगूठा दिखा देता है, क्या करता है अंगूठा दिखा देता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि नेता लोग जैसे ही जीत जाते हैं तो वैसे ही वह हमको अत्यंत किसी कार्य को करने के लिए मना कर देते हैं, या फिर आप जितना अच्छा सोच सकें उतनी अच्छी बात है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आँखों का तारा होना, अत्यंत प्रिय होना। इसका जो मोस्ट और अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है वह यह है कि रामचंद्र जी जो थे वह कौशल्या के प्यारे थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनाना, यानी कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनाना, इसका मतलब होता है अपनी प्रशंसा स्वयं से कर देना। मान लीजिए कोई है और अपनी प्रशंसा स्वयं से कर रहा है तो उसके लिए यह बनाया गया है। तो इसका जैसे कि अब आपको हिंदी अर्थ वो पता चले कि आप इसका वो क्या लिखेंगे, अपने मुमिया मिट्ठू बनाना का जैसे आपको लिखना है, जैसे हम नेता लोगों से ले लीजिए वह क्या करते हैं, जैसे कि आपको आपके पास आए और आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी फेंकने लगे, कहने लगे मैं ये करूंगा, यहाँ पे रोड बनवा दूंगा, यहाँ पे एक नल लगवा दूंगा, आपको एक कॉलोनी दे दूंगा जिसमें से 2 लाख रुपया आएगा, तो वो आप तो समझ रहे हैं कि ये चूतिया बना रहा है, जब जीत जाएगा तो ये चला जाएगा, लेकिन वह अपने अंदर गर्व महसूस करता है, क्या करता है अपने अंदर वह बहुत अच्छा गर्व महसूस करता है। तो इसी को कहते हैं अपनी प्रशंसा करना, यानी नेता लोग आते हैं और अपने उसे अपनी बधाई करके एक गर्व महसूस करते हैं अपने अंदर, तो इसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आँखों पर धूल झोंकना, यानी कि इसका मतलब होता है धोखा देना। अब मान लीजिए राम है, अब मुंबई, राम और श्याम दोनों को मुंबई जाना है, अब राम ने क्या किया, वो इनकी बात हुई थी कि हम मंगलवार को मुंबई चलेंगे दोनों लोग, वो भी कैसे, गरीब रथ गरीब रथ ट्रेन से, ठीक है, तो गरीब रथ ट्रेन से चलेंगे। अब बात आई कि राम जो है वो मंगल नहीं सोमवार के दिन निकल गया पैसेंजर से, किससे, राम सोमवार के दिन निकल गया पैसेंजर से, तो क्या हुआ, राम के साथ श्याम ने क्या दिया, धोखा दिया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं राम और श्याम दोनों मुंबई जाना चाहते थे, तो राम छोड़कर इसको श्याम को चला गया, तो उसने क्या किया, उसको क्या धोखा दे दिया, उसकी आंखों में धूल झोंक दिया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आधा तीतर आधा बटेर होना, ना इधर का होना और ना उधर का होना, इसी को कहते हैं आधा तीतर आधा बटेर। तो इसका जो जैसे कि मान लीजिए इसका अर्थ हो जाता है कि अध्यापकों ने, मान लीजिए मैं एक अर्थ बताता हूँ आपको, अध्यापकों ने छात्रों को समझाया, बहुत समझाया किया
कि टीचरों ने समझाया कि या फिर आप इंग्लिश में बात करो या फिर आप हिंदी में बात करो, लेकिन वो दोनों भाषाओं में बात करते रहे और परिपूर्ण ज्ञान वो किसी पर ना ले पाए, तो वो क्या हो गए, आधा टीचर आधा बटेर, ना हिंदी के हो गए और ना इंग्लिश के हो गए, क्योंकि कभी हिंदी बोलते थे कभी इंग्लिश बोलते थे। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, अब इसे मैं जल्दी से बता देता हूँ। आकाश पाताल एक करना, एक कर देना यानी असीमित प्रयत्न कर देना। आकाश पाताल एक करना का जो अर्थ होता है वो होता है असीमित, मतलब हद से ज़्यादा जब कोई प्रयत्न कर लेता है उसे कहते हैं आकाश पाताल एक करना। मान लीजिए इस वर्ष IIS की मैं परीक्षा दे रहा हूँ, मान लीजिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, रियल में कर रहा हूँ, तो मान लीजिए IIS की मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो परीक्षा की तैयारी के लिए सुरेश और आकाश पाताल एक कर देता है परंतु फिर भी नहीं निकलता। तो मान लीजिए यही कि मैं जैसे कोई IIS की तैयारी कर रहा है तो आकाश पाताल एक कर देता है। तो बस आज की वीडियो यहीं से रखते हैं और यहीं पर समाप्त करते हैं। याद रहे यहीं से आपके आएंगे, एक भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।